सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द फ्री फायर वीडियो। सो गाइस, यार आप देख सकते हो फ्री फायर में आ चुका है एक बिल्कुल ही न्यू इवेंट, हैकर स्टोर। ये फ्री फायर में बहुत पहले भी आ चुका है, लेकिन दोबारा आ चुका है गाइस। तो इसकी वन स्पिन ट्रिक बताऊंगा कैसे इसके परमानेंट आइटम्स मिलेंगे गाइस, और वो भी कम डायमंड्स में। तो अब यहाँ देख सकते हो ग्रैंड प्राइज सिलेक्शन और बोनस प्राइज सिलेक्शन, दो प्राइज होते हैं इसके अंदर। तो गाइस यार, इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप कर दो ग्रैंड प्राइस सिलेक्शन पे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आपको कौन सी चीज़ें चाहिए वो चीज़ें जो है आप इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। तो मैं जो है डेविल बंडल ले लेता हूँ। और गाइस मुझे बताना कि कमेंट में कि आप क्या लेने वाले हो, ठीक है गाइस। तो मैं ये वाला बंडल लूँगा, इसके बाद मैं गाइस यहाँ से लूँगा वुल्फरा कैरेक्टर ले सकते हो आप, पार्टी डांस इमोट ले लेना गाइस, ये जो है सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो जो चीज़ें हैं वो आप ले लेना। इसके बाद करना क्या होगा गाइस, आपको आपको जो है कंफर्म पे क्लिक करना होगा। तो गाइस यार, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है कि उसमें सबसे पहले आपको ग्रैंड प्राइज़ और जो सिंपल वाला प्राइज़ होता है ना, उसको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर इसको ऐसा इंटरफेस आ जाए, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो अब गाइस इसमें करना क्या होता है गाइस, आपको ना इसमें डायमंड स्पेंड करने होंगे थोड़े से। डायमंड्स गाइस हर एक इवेंट के अंदर लगते हैं, तो इसके अंदर भी इवेंट में डायमंड्स लगेंगे। आपको इन 6 रिवॉर्ड्स में से कोई एक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, 9 डायमंड्स में। तो इसकी वन स्पिन ट्रिक जान लो गाइस, क्योंकि गाइस शायद आपका जो है वन स्पिन में ही ये निकल जाए, जो आपने मेन इवेंट मतलब बंडल चूज़ किए हैं और इमोट चूज़ किया है, उसे वन स्पिन ट्रिक में निकालने की कोशिश किया करो गाइस। और वन स्पिन ट्रिक गाइस ना मेरे हिसाब से फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि गाइस अगर हमारे इवेंट परमानेंट मिल जाए तो हमें क्या फ़ायदा। अगर हमें इवेंट परमानेंट में कुछ ना मिले और हमारे डायमंड जाते जाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं। तो वन स्पिन ट्रिक लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एडम कैरेक्टर लगा लो। एडम कैरेक्टर बेस्ट होता है वन स्पिन ट्रिक के लिए। इसके बाद गाइस आपको करना क्या होगा, वॉल्ट में जाना है, अपनी अपनी वॉल्ट में जाना है गाइस। उसके बाद करना क्या होगा, जो ये कलेक्शन है ना इसे हटाओ। ये जो कलेक्शन है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके पास नहीं होना चाहिए ऐसे। ये आप इक्विप मत करना, और अपनी जितनी भी गन स्किन वगैरह है ना वो भी हटा देना, जिससे ना गाइस फ़ायदा रहता है, फ्री फायर को पता नहीं चल पाता कि हम नूब हैं कि प्रो हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना मैं हटाने वाला हूँ, अभी आप देख सकते हो ये सब कुछ मैंने हटा दिया है। और जितनी भी आपकी क्रेट्स वगैरह हैं सब कुछ अनइक्विप कर दो, वेपन्स गन स्किन सब कुछ अनइक्विप करके दोबारा से आपको इवेंट के अंदर जाना है। और इवेंट कहाँ पर है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो इसके अंदर दोबारा एंटर करेंगे। और अब जो है आपको स्पिन करना है, जो भी चीज़ें आपने लिया ना हैकर स्टोर से, अब आपको वो स्पिन करनी है। सबसे पहले थोड़े इसकी इवेंट के रूल्स पढ़ेंगे गाइस। आप यहाँ देख सकते हो दो प्राइज़ मिलेंगे हमें स्पिन करने से, बाइस हमें स्पिन करना पड़ेगा गाइस, और हमें जो प्राइज़ है हमारे वॉल्ट में मिल जाएंगे। तो अब जो है इसको ड्रॉ करते हैं, तो कंफर्म करेंगे ड्रॉ करने के लिए। 100% नहीं होता गाइस कि निकलेगा ही, लेकिन कुछ चांसेस बनती हैं कि इसमें हमें निकल सकता है, ठीक है गाइस। तो एक बार आप करके देख लेना वन स्पिन ट्रिक, शायद आपका कुछ अच्छा निकल जाए, जो आपने लिया है वो आपका निकल सकता है। एंड गाइस मेरे हिसाब से इसमें जो प्राइज़ है ना वो रिपीट होंगे, मतलब गाइस हर बार क्या होता था कि प्राइज़ इसमें रिपीट नहीं होते थे, जो प्राइज़ हमें मिल जाता था एक बार वो हमें दोबारा नहीं मिलता था। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि इसमें प्राइज़ रिपीट हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि अभी मुझे दोनों चीज़ें जो हैं वो नहीं मिली, अब मुझे ये मिल चुका है। तो अब यहाँ देख सकते हो हैकर स्टोर जो इवेंट है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके जो प्राइज़ है ना वो इतने अच्छे नहीं है। इसके अंदर गाइस इलाइट पास भी नहीं है, आप देख सकते हो मैंने ये तीन चीज़ें बाय कर ली हैं, और अब जो है ये मेरी वॉल्ट के अंदर आ जाएंगी। ये वाला जो इवेंट है ना गाइस, ये 8 अक्टूबर तक चलने वाला है। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ इसके अंदर कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा मत लेना इसको। वन स्पिन ट्रिक ट्राई करनी हो तो एक बार कर लेना, वो अच्छी रहती है, तब भी उसमें थोड़े डायमंड्स कम लगते हैं। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ, जब एलाइट पास आएगा तभी बाय करना, अगर आपके पास कम डायमंड्स हो तो। मेरे पास तो गाइस बहुत सारे डायमंड्स हैं दूसरे अकाउंट्स में, इसलिए मैं जो है ना मतलब बाय कर लिया हूँ। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ, जिसने भी क्लेम नहीं की अभी तक MP40 की स्किन, ये वाली जो MP40 की गन क्रेट है, और उसने रिडीम कोड नहीं लिया, तो मेरी जो लास्ट वीडियो है वो देख लो, उसके अंदर मैंने इस गन स्किन का रिडीम कोड दिया था। वहाँ से आपको जो गन स्किन है ना वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तीन गन स्किन आपको वहाँ से मिल जाएंगी, और परमानेंट भी मिल सकती है। तो वहाँ पर जाओ और जल्दी से ले लो अपना अपना, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।